નમસ્કાર દર્શકો, અતિથિ કાર્યક્રમમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે કે એવા વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વને મેં આપની સમક્ષ લાવીએ છીએ અને તેમની સાથે અંતરંગ વાતો કરીએ છીએ કે જેને મળવાની આપને પણ ઈચ્છા હોય છે ને અમને પણ. દર્શક મિત્રો, લોકગીત અને લોકસંગીત આ બંને વસ્તુ એવી છે કે ધીરે 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 લુપ્ત થતી જાય છે, પરંતુ જેણે લોકગીત અને લોકસંગીતને આજના સમય પ્રમાણે ઢાળ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, લોકસંગીતને બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, લોકગીતોને બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, તેવા એક વિશિષ્ટ કલાકારને આજે મળવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ. દર્શક મિત્રો, આ કલાકાર એવા છે કે જે કલાકાર બિલકુલ અંતરિયાળ ગામમાંથી તેઓ આવ્યા હતા, પરંતુ આજે તે એવી ઊંચાઈ પર છે, એવા ઉચ્ચ શિખરે છે કે કદાચ વિશ્વની જાણીતી હસ્તીઓ હોય તેમના ઘરે જ્યારે પણ શુભ પ્રસંગ હોય ત્યારે ચોક્કસપણે વિશિષ્ટતા લાવવા માટે આ કલાકારને ખાસ બોલાવે છે. વિશિષ્ટ પ્રસંગો, વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓના ઘરે થયેલા સમારંભો એટલે કોઈ સામાન્ય નહીં, પરંતુ અભિષેક બચ્ચન અને ઐશ્વર્યા રાયના લગ્ન, લીઝ હર્લી અને અરુણ નાયરના મેરેજ, આવા લગ્ન પ્રસંગે, આવા સમારોહની અંદર અને અલગ અલગ વિશ્વના અલગ અલગ દેશની અંદર જેમણે ભારતીય લોકસંગીતને એક ઉચ્ચ સ્થાન અપાવ્યું છે તેવા એક કલાકાર આજે આપણી સાથે છે, ગાઝી ખાન. ગાઝી ખાનજી, આપકા સ્વાગત હૈ કાર્યક્રમ મેં. નમસ્કાર ગાઝી ખાનજી. સબસે પહેલા તો મેં પૂછના ચાહુંગા કે જિસ તરહ સે આપકે કરતાલ, યાની આપકી કરતાલ કી જો સૂર આતે હૈ, ઉસકે તાલ આતે હૈ, ઉસકે પીછે પાગલ હૈ, ઇસ ફાસ્ટ લાઈફ રિમેક કે જમાને મેં ફોક સંગીત કો આપને ઇસ તરહ સે જો લાઈવ રખા હૈ, જીવંત રખા હૈ, ક્યા ક્યા હૈ ઇસ એસી એસી ક્યા બાત હૈ ઇસ કલા મેં જો કી હરેક લોગો કો આજ રાખી સાવંત કા રિમિક્સ ડાન્સ ભી લોગ પસંદ કરતે લેકિન સાથ સાથ મેં ગાઝી ખાન કી કરતાલ ભી પસંદ કરતે, ક્યા બાત ક્યા હૈ? ऐसा है कि जो हमारा जैसे मैं एक कम्युनिटी मांगनार जाति से हूँ, हम लोग जैसलमेर बाड़मेर के कुछ गांव के अंदर हमारी जातियाँ बसी हुई, हम लोग जजमानी प्रथा के अंदर हैं. जैसे कि हमारे जजमान हैं वो राजपूत, हिंदू राजपूत लोग हैं, राजा महाराजों के टर्म हम गाते हुए आते आ रहे हैं, उनके शादी के गीत, बच्चों के जन्म के गीत, उनकी महफिलों के गीत, उनके घरों में कोई सगाई हो उसके भी गीत, तो हमारे पास हर ओकेजन के गीत हैं. ओके, तो हम लोग धीरे धीरे करते करते हम शहर की ओर बढ़े, हम लोगों का लोगों ने हमारे संगीत को सुना कि ये ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक गांव में गाया जा रहा है, इसके लयकारी, इनकी राग रागनी ये एक अलग है, तो लोगों ने हमको धीरे धीरे करके ये स्टेज दिया और आज हमारी कम्युनिटी के लोग दुनिया में बड़े बड़े थिएटर में बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ में अपना कॉन्सर्ट बजाते हैं, चाहे जुबिन मेहता जी अपना कार्यक्रम जहाँ करे वहाँ पे भी हमारे लोक कलाकारों को परफॉर्मिंग मिलता, उस्ताद मजद अली खान साहब जहाँ बजाते, पंडित रविशंकर जी जहाँ बजाते, जाकिर रोशन जहाँ बजाते, वहाँ पे भी मांगनार लोक कलाकारों को वहाँ बुला के अपना कार्यक्रम के उसी सेम स्टेज पे करवाते हैं. मेरा जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है खड़ताल, ये लकड़ी के चार टुकड़ों का ही एक वाद्य है जी. इसी इंस्ट्रूमेंट का नाम स्पेन के अंदर इसको कैस्टनेट कहते हैं. इसी इंस्ट्रूमेंट, वो एक लोहे का छड़ी का बना होता है जी, जी. और वैसा ही मैंने इंस्ट्रूमेंट एक उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वहाँ पे डांस के साथ वो लोग इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं. स्पेन के फ्लामिंग को डांस जो इंडिया के कथक से निकला हुआ है वो भी इसको एक सिंपल ले से लोहे की छड़ी को बजाते हैं जी. हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट जो आया तो हम इस चीज को एक लकड़ी के चार टुकड़ों को हम एक हमारे जो फोक ताल हैं उसके हम कई वेराइटी कई उसकी वेरिएशन हम करते हैं, कई उसकी लेकरी चीज़ें बताते हैं, उसमें तिहाई, आड़ी, कुआड़ी, बिहाड़ी ये ले हम सब इसमें बजाते हैं और हम आपस में सवाल जवाब करते हैं. मोस्टली ये इंस्ट्रूमेंट एक सोलो भी है और एक जो हमारे गीत हैं ये गीतों के नृत्य का ये भाव का ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और इसके साथ हम जुगलबंदी करते हैं एक गाने के साथ. गाजी 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 मुझे मालूम है. दर्शक मित्रों, मने ख्याल छे कि आज इंस्ट्रूमेंट छे करताल, तेना ताल जोवा माटे, तेना सांभळवा माटे आप आतुर छो, परंतु थोड़ीक सबर करवी पड़शे. गाजी गाजी, पहला 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 कदम
आपने जो बताया कि ये आप बजाते हो, आज इतनी अच्छी तरह बजा रहे थे, क्या 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 खासियत है कि आपके ही कम्युनिटी के लोग खास करके इस इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह बजाते हैं? मतलब ये खानदानी बरसों से आप इस इंस्ट्रूमेंट को आप कि आपने खुद ने इनोवेट किया इस इंस्ट्रूमेंट? ये हमारे परंपरा से आ रहा है, मगर पहले इतना लोग इस इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजाते थे। एक गाने के साथ ही एक सिंपल तरीके से थोड़े से मूवमेंट करते थे, उतना ज्यादा नहीं करते। और मांगनियार, यानी कि ये मांगनियार में बहुत ही सारा मैं बोलूँ तो असमंजसता है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। यानी जो मांगने वाले होते थे वो मांगने के टाइम जाते थे उस वक्त ये बजाते थे क्या? नहीं, ये मांगने वाले टाइम ये नहीं बजाते थे। ये जब उनके घरों में जाके शादी ब्याह होती थी उस टाइम अपने मंडली के साथ जाकर के सब इंस्ट्रूमेंटों को जाकर बजाते थे। जब मांगने के लिए जाते, जब इसको नहीं बजाते, मांगने के लिए वो जब दे देते हैं वो हमको, जब हम कोई शादी होती है उनके घरों में कोई ओकेजन है तो फिर हम जाके उनके साथ गाना बजाना करके खुश करके फिर हम मांगते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट मेरा एक पर्सनल मेरा इंस्ट्रूमेंट है। इसको मैंने कुछ मैंने लोगों से सुना, ये किया, फिर मैंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट नया किया कि मैं इसको क्यों नहीं एक क्लासिकल वाले अगर एक डेढ़ घंटा दो घंटा सोलो बजाते हैं तो क्यों नहीं मैं एक फोक इंस्ट्रूमेंट को मैं भी एक सोलो बजाने की कोशिश करूं। तो फिर मैंने एक ढोलक के साथ ड्यूट रखा। तो आज धीरे धीरे करते करते मेरी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं और वो थोड़ा थोड़ा जुगलबंदियां करने चालू हो गए। ये इंस्ट्रूमेंट मटेरियल लकड़ा ही होता है, कोई विशेष प्रकार का लकड़ा होता है या क्या? इंस्ट्रूमेंट किस किस मटेरियल से बना है? ये जो अच्छी करताल बजने वाली हो ये एक शीशम, काली शीशम की लकड़ी है। ओके। और ये 6 इंच की लंबाई है और ये बस छोटा सा एक जो सुथार से हम बनवाते हैं, हम खुद को ऊपर बैठ के बनाना पड़ता है, फिर हमको उसका साउंड देखना पड़ता है कि इस हाथ का साउंड क्या, इस हाथ का साउंड क्या। ये एक इंस्ट्रूमेंट एक आधा इंस्ट्रूमेंट है। ओके। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ओके। जैसे गुजरात में आप बजाते मंजीरा जी। मंजीरा को आप इस मंजीरे को इसके ऊपर मारेंगे, बीट करेंगे तो भी उसमें ता ही निकलेगा। हाँ। और यूं मारेंगे तो भी उसमें ता निकलेगा। ये एक आधा इंस्ट्रूमेंट, ये एक फुल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे तबला ढोलक में ता और धा है जी, तो ये इसमें भी है, जो यहाँ से करोगे तो भी ता है, इधर से करोगे भी ता है। Okay. दोनों साथ में करोगे तो भी ता है। हाँ। मगर इसको एक म्यूजिक अच्छा म्यूजिशियन बजाने वाला हो तो उसको ता था बनाने के लिए अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा। Okay, okay. कि मैं ये करूंगा जब ता आएगा और इसको इस हाथ को ज्यादा बजाऊंगा और उसको कम बजाऊंगा तो म्यूजिक धा आएगा जी, जी। तो उसमें ता धा का भी इसमें हम रखते हैं। गाजी खान जी यहाँ रोकूंगा। दर्शक मित्रों आपे जोयुं ते प्रमाणे एक इंस्ट्रूमेंट की जेनी अंदर सिंपल तरीके थी वधगाड़वामां आवे तो जे संगीत साथे जोड़ायेला छे कदा तेने ख्याल आवशे के ता अने धा, जेम तबलामां ता अने धा ए बन्ने मळी शके छे, परंतु आ एक एवुं इंस्ट्रूमेंट छे के जेमां फक्त ताज तमे बहार लावी शको, परंतु गाजी खाने आज इंस्ट्रूमेंट ने करताल ने एमनी भाषामां तेओ खरताल कहे छे, करताल ने ए रीते तेमणे रियाज कर्यो के आने एक हाफ इंस्ट्रूमेंट ने पण फूल इंस्ट्रूमेंट એટલે કે સંપૂર્ણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવ્યું અને એક લાકડાના ટુકડો એવા 4 ટુકડાથી સોલો પ્રોગ્રામ પણ આપ્યા છે। તા અને ધાનું કોમ્બિનેશન જોઈશું, પરંતુ સમય થયો છે એક વિરામનો, મળી એક નાનકડા વિરામ બાદ। दर्शक मित्रों विराम बाद फरी एक और स्वागत है। बात करें आज आपने जानीता आर्टिस्ट गाजी खान साथ। गाजी खान जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि एक ये जो हाफ इंस्ट्रूमेंट था उसी इंस्ट्रूमेंट को आपने रियाज से आपने फुल इंस्ट्रूमेंट बना दिया। क्या 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 रियाज किया और इससे अगर अगर ता और धा का कॉम्बिनेशन है तो कैसे कर सकते इसको? जैसे एक रूपक ताल है तो मैं इसको अगर ता 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 धा धा ये ता और धा जो है तो इसको मैं कैसे बजाऊंगा? ये हो गया, ये मैंने किया। अब इसका मैं वेरिएशन करता हूं जी। ये सेम ही चीज, इसको जी जी बहुत अच्छा ये मतलब दिमाग में ही बनाना पड़ता है कि
ये यूं है, ये यूं है, ये यूं, इसमें वो साउंड लाने की कोशिश करते हैं मगर उसमें इसमें है नहीं। अच्छा जरा 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 गाजी खान जी, ये इसकी ग्रीप जो होती है क्या क्या खासियत क्या है? क्या नॉर्मली देखा है कि दो भी जो भी मतलब ये इंस्ट्रूमेंट होता है दो अलग अलग पीस उसके बीच में उंगली रख के भी कभी बजाते हैं या सीधा हाथ में पकड़ते? इसका जो बजाने का टेक्निक, एक तो यहाँ जी यहाँ रखते हैं, एक चारों उंगली के ऊपर रखते हैं। ओके ओके, यानी आगे वाला पार्ट और आगे की उंगली से आप प्रेस करेंगे और अगर पीछे का बजाना तो पीछे से, और दोनों साथ में रखना है तो मोमेंट यही करेगी, ये मोमेंट नहीं करेगी। ओके 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 ओके, ये यूं करना पड़ेगा। गाजी खान जी, हर एक जो भी कलाकार होता है अपने एक गुरु कोई किसी ना किसी को बनाता है। गाजी खान ने किसको गुरु बनाया था, एक या एक से ज्यादा? मैंने मेरे फादर से मैं एक सीखा, फिर मैंने दो और गुरुओं से जाके सीखा। मेरे जो मेरा गानाबंद गुरु थे वो उस्ताद सदी खान जी थे, और फिर मैंने दूसरे हमारे कम्युनिटी के गुरु थे उनके पास में 10 बार कुछ दिन जाके बैठा कि खड़ताल का जो मोमेंट था वो जो मेरे गुरु ने सिखाया, ताल की चीज़ें थी वो मैंने किसी और उस्ताद से सीखा कि उनके पास चीज़ें थी तो मैं उनसे सीखा। ओके गाजी खान जी, ये मेरा एक तीखा सवाल है। कोई भी कलाकार होता है और वो ऐसा कलाकार की जो छोटे गाँव से आता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाता है जो कि सामान्यतः लोग किसी और काम में लेते थे, यानी कहाँ मांगने जाते थे उस वक्त उनको 100 200 300 रुपया मिल जाता था जी। वही कलाकार जब एक स्टेज पर पहुंच जाता है, एक लेवल पर पहुंच जाता है, तब जाके कहीं उनको ये सफलता होती है, जो उनकी सक्सेस होती है वो दिमाग में भर जाती है, उनका एटीट्यूड बदल जाता है, गुस्सा आ जाता है, चूजी हो जाता है, बात बात पे अपनी अपनी बात सच है ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। गाजी खान ये कुछ नहीं करते, गाजी खान वही डाउन टू अर्थ, सिंपल, सोबर, बड़े बड़े घरानों में बड़े बड़े ऐसे जो भी अच्छे प्रसंग होते वहां जाते, लेकिन गाजी खान को कभी भी अपनी सफलता का नशा नहीं चढ़ा। क्या बात है इसमें? ऐसे नहीं चढ़ा कि मुझे मालूम है कि मैं किस गांव का हूं और किस कैसी मेरी कला थी, आज मेरी कला कौन सी जगह पे है, और इस मेरी इस कला का आज से 20 साल 25 साल पहले मेरे कम्युनिटी के क्या हाल थे इसको कला के। वो कला मेरे जजमानों के लिए तो वो कला बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, मगर वो धीरे करते करते आज सिटी में आई। आज मैं भारत के टॉप आर्टिस्ट के साथ में मैं 104 बार, अभी मैं 9 तारीख को वापस में 104 बार विदेश की यात्रा कर चुका, राजस्थान में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बना चुका हूँ कि इतनी बार मैं विदेश गया हूँ। मेरे 6 पासपोर्ट भरे गए हैं, अभी पासपोर्ट वीज़ा में लगा हुआ है। चाहे मैं विस्मोहन भरजी के साथ में बजाऊँ, जाकिर हुसैन के साथ बजाऊँ, चाहे मैं भारत के कितने टॉप आर्टिस्ट के साथ बजाऊँ, मगर मैं तो वापस ये देखता हूँ कि मेरा घर वो है, मेरे समाज के लोग वो हैं, मैं कभी मेरे दिमाग में ये नहीं लाना चाहता कि अब मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। मैं जब स्टार बनूंगा कि मेरी कला एक अच्छे एक घराना बन जाएगा, जब मैं मेरे दिल को सोचूंगा कि हमने काम किया है तो अच्छा किया, मैं कमा रहा हूँ मेरे घर के लिए कमा रहा हूँ, मेरे समाज के लोगों के लिए, वो कब सब इस लेवल तक खड़े होंगे जब मुझे थोड़ा गर्व होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ। गर्व होगा लेकिन फिर भी उस वक्त भी अभिमान नहीं होगा? नहीं होगा। फाइन। गाजी खान जी, कलाकार होता है वो मुस्ताक होता है, कलाकार होता है वो अपनी कला की उसको मालूम है कि कद्र होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कहीं आप शो करने जाते होगे बड़े बड़े घरानों के बीच में, कहीं ऐसा भी हादसा हुआ होगा कि उन्होंने कुछ ऐसा आपको बोल दिया कि आप कुछ करिए, कहीं इंसल्ट भी हुआ होगा, खास करके उस वक्त आपने क्या किया था? मैं स्पेसिफिक याद दिलाना चाहता हूं, मेवाड़ में आपको कुछ कहा गया था कि आप हमारी बेटी के लिए कुछ गाइए, उस वक्त आपने कुछ गाया था उनके लिए? महाड़ा मेवाड़ फाउंडेशन में उनके महल में कुछ आपको बुला गया था उनकी बेटी के लिए, आपने उनकी आंखों को देख के कुछ गाया था आपने? हमने वहाँ पे एक गीत गाया था,
उनकी बाईसा के लिए। हाँ, मैं बाईसा की बाईसा के लिए गाया था कि वो हमारा एक पारंपरिक लोकगीत है जो हम हमारे गांव में जज्बानों के लिए गाते हैं। पूरा हमारा जो आपको क्या कहा गया था और क्या हुआ था वो मुझे पूरा पूरा सुनना है। ये कहा गया था कि भी आप गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, एक बाईसा के लिए भी गाना गाइए अगर आपके पास चीज है। तो हमने एक गीत था कि बाईसा लाडका गाना, बाईसा फुटरा गाना, बाईसा ने कया मत है, बाईसा लाडका गाना, बाईसा लाडका गाना, तेरे चंद्र बाई का चूड़ा, चूड़े पर लाख लागी, बाईसा ने अल्लाह रखे, बाईसा लाडका गाना, बाईसा फुटरा गाना, बाईसा ने कहा। जब हमने ये गाना गाया तो हरमी सिंह मेवाड़े साहब वो बहुत खुश हुए, श्री जी साहब बहुत खुश हुए कि आप लोगों को ये चीज़ें कैसे याद है। जब हमने बोला कि साहब हम एक मांगनेर जाति से हैं, हमारे पास आपके बाप बाप दादाओं की सूरवीरों की चीज़ें भी हैं, हम लोगों के पास डोडे भावन शोहड़े ये जो पुराने गीत थे आप लड़ाइयों में गाए जो हमने, वो सब मेटल हम लोगों के पास ओरल ट्रेडिशन हमारे दिमागों में है। हमारे पास ये है कि हमारा एक लिखित ने हमारा फोक स्कूल ही नहीं है, क्लासिकल में जैसे सारे गम्मा ये सिखाते हैं वो करते हैं, हमारा है वो सिर्फ हम हमारे बच्चों को फादर टू सन मदर टू डॉटर हमारी आर्ट यूँ जाती है, हमारे ये सब दिमाग में है। जब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा गाना होना चाहिए उसी टाइम का गीत गाते हैं, यहाँ पे कौन सा होना चाहिए यहाँ गाते हैं। गाजी गांजी गाजी, आपने जो बताया भाईसा के लिए गाना, वो सुर में जरा गा के बताइए जी, सुर में गा के करताल के साथ। बैसा लड़का गणा, बैसा लड़का गणा, बैसा पिंजरा गणा, बैसा लड़का गणा, बैसा बाजार जासे चप्पे दो पोन लासे, आदो भाई आप जी में आदो तीरे नो देवे, बैसा लड़का गणा, तेरे चंद्र भाई का चूड़ा, चूड़े पर लाख लगी, भाई सामी अल्लाह राखी, भाई सामी बदना, भाई सामी बदना। બહુ છે દર્શક મિત્રો, જોયું તે પ્રમાણે એક વિશેષ પ્રસંગે જ્યારે સ્પેસિફિક ગીત ગાવાનું એમણે કીધું કે વર્ષોથી પરંપરાગત રીતે બધી જ વસ્તુઓ, જેમણે કીધું કે ફાધર ટુ સન એન્ડ મધર ટુ ડોટર, કોઈ પણ એવી યુનિવર્સિટી નથી, કોઈ એવી પાઠશાળા નથી કે આ સંગીતનું જે આખી રીત રસમ છે તે ક્યાંય શીખવાડવામાં આવતી હોય, પરંતુ આ પરંપરાગત રીતે, વંશ પરંપરાગત રીતે આ વાતો આવતી હોય છે, ખાસ કરીને ગાઝી ખાન જે ફેમિલીમાંથી બિલોંગ કરે છે અને તે કોમ્યુનિટીમાં। खास बात करवानी छे कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय ना लग्न ने लीज अर्ली ने अरुण नायर ना लग्न वक्त ना एक विशेष प्रसंग को याद करिए छे, परंतु समय थयो छे एक विराम नो। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। વાત કર્યા છે આપણે વિશ્વવિખ્યાત કલાકાર, રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ વિજેતા ગાઝી ખાન સાથે। ગાઝી ખાનજી, બ્રેક પહેલા આપને બતાયા કે એક એસા ગાના જો મેવાડ મેં આપકો જબ ફરમાઇશ દી ગઈ સાહિબા કે લીએ આપને ગાયા થા, અબ 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 ખાસ બતાઈએ કે એક સ્પેસિફિક એસા હાદસા આપકો બડે બડે ફંક્શન મેં બુલાયા જાતા હૈ, ખાસ કરકે હમારે વ્યૂઅર ભી જાનના ચાહતે, ક્યોંકિ ઉસ વક્ત બિલકુલ કેદ કર દિયા ગયા થા जहां अंदर शादी हो रही थी, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उस वक्त क्या स्पेसिफिक फरमाइश बच्चन परिवार की ओर से अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी में आपसे की गई थी? हम लोगों ने गीत गाया था जिसका नाम था केसरियो हजारी गुलरुख फूल, और जब लीज हरले और अरुण नायर की शादी में वहां पे हमने जो गीत गाया था वो हमने जब देखूं बनारी लाल पीली अखियां और होलिया में उडेरे गुलाल, तो उसमें अरुण नायर और लीज हरले बहुत खुश हुई। और वैसे मेरे वहाँ पे तीन गाने रखे थे, वहाँ हमको 14-15 गाने गाने पड़े कि वंस मोर okay. ये मैरनगढ़ फोर्ट जोधपुर में हुआ था, तो वहाँ पे हमको बुलाया गया था, तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। बच्चन परिवार में कौन सा गाना आपने परफॉर्म किया? वो हमारा एक ट्रेडिशनल गीत था जिसका नाम था केसरियो हजारी गुलरो फूल। ये बीरा मारो केसरियो हजारी गुलरो फूल, हजारी गुलरो फूल,
केसरी नो निजर लादा अर बीरा मारू मादलियो मतराए दे गढ़ू जरे बोद मतराए दे गली जरे बोद बैसारू बीरो लाला दे बैसारू बीरो लाला बीरा मारू यू गोरे ये पूनमरीरो चांद रे ये पूनमरीरो चांद चांदा जेड़ा हो पुछड़ा बराबर। बहुत अच्छा है गाजीगंज जी, जहाँ पे बात निकली है फोक सॉन्ग्स और जो भी मतलब खास करके म्यूजिक है जो ये सुर है, चोरी करने वाले बहुत ऐसे गाने हैं जो कि सही में हो सकता है कि शायद गाजी खान ने ये गाना कहीं से ढूंढ निकाला हो बरसों से, जो राजस्थान में कहीं बरसों से गाते होंगे, कई लोगों कई सालों से नहीं गाया गया, गाजी खान ने वो गा लिया, 2, 5, 10, 15 साल के बाद वही गाना किसी फिल्म में आ गया, सुपरहिट हो गया। ऐसा है कि हमारा हम लोगों की चोरी किया गया है गीत को जिसका नाम है निमुड़ा जी। मैं उसी पे आने वाला था जी। अब यहाँ फिल्मों वाले कहते हैं कि हमने निमुड़ा ये फिल्म तो आप बनाए, हमने इसी गाने को निबुड़ा को 92 में एक पेरिस के अंदर फ्यूचर गैब्रियल की कॉम्पैक्ट डिस्क में हमने 92 में रिकॉर्ड किया है। वो हमारे पास प्रूफ है जिसका हमने लोगों को बोला कि ये हम उस सीडी की हमको अभी तक भी रॉयल्टी मिलती है, निबुड़ा सॉन्ग की हमको रॉयल्टी फ्रांस से मिलती है और वो सीडी हमारी दुनिया में बिक रही है जिसका नाम म्यूजिशियन पोइट दू राजस्थान, म्यूजिशियन एक पोइट्री राजस्थान के आर्टिस्टों की, वो सीडी हमारे अभी भी चल रही है। मगर हम लोग अनपढ़ लोग हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों ने हमारी चीज़ को कहाँ ने कहाँ जा करके उन्होंने डाला है और उन्होंने हमारी चीज़ को एक फिल्मों के अंदर डाला। तो हमने कई बार इंटरव्यू भी दिए, हर जगह बोला कि हम फोक म्यूजिशियन हैं, हमारी चीज़ को आपने लिया है। लोग कहते हैं कि नहीं ये तो हम कोई भी चोरी कर सकते हैं, इसमें आपका कोई हक नहीं है कि आपके इस गाने के ऊपर कोई ऐसा सिक्का तो नहीं लगाए कहीं। दर्शक मित्रों, निंबुड़ा जे गीत सुपर हिट गयू हतु 92 मा, गाजी खाने आ गीत रेकॉर्ड कर्यु हतु, ऑलरेडी डिस्क नी अंदर रेकॉर्ड छे, परंतु फिल्म मा आव्यु, पिक्चराइज थयु ऐश्वर्या ऊपर, परंतु जे ओरिजिनल सॉन्ग छे जे ओरिजिनल राग मा ओरिजिनल लढ़ण थी गाजी खान पासे सांभळीए। ओरिजिनल जो हमारा गीत था वो मैं आपको उसका दो कड़ी सुनाता हूँ आपको। निबुड़ा 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 रे काचा काचा छोटा छोटा निबुड़ा लाजे दो निबुड़ा लाजे दो मने लाई दो लाई दो लाई दो मने लाई दो लाई दो लाई दो मारी ने लेना जरा बीरा मारा बागे बो छोटा निबुड़ा लाजे दो ओ निबुड़ा निबुड़ा जे तो निबुड़ा निबुड़ा जे तो निबुड़ा निबुड़ा जे तो निबुड़ा 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 ओ निबुड़ा निबुड़ा जे तो निबुड़ा निबुड़ा जे तो निबुड़ा निबुड़ा जे तो निबुड़ा 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 रे काचा काचा छोटा छोटा निबुड़ा लाजे दो निबुड़ा ला 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 दो मने लाई दो लाई दो लाई दो मने लाई दो लाई दो लाई दो मारी बेनी नजरा बीरा मारा और ये मतलब कितना मीठा लगता है। हाँ ठीक है, उसमें मीठी ऐश्वर्या को देख के शायद वो गाना भी मीठा लगने लगा था, लेकिन सही मजा रहा सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट्स है, ढोलक और करताल, सिर्फ इस दो इंस्ट्रूमेंट के साथ सुर में गाया गया ये गाना। क्या आपको लगता है, मैं आज के गाने की बात कर रहा हूं, आज ट्रेडिशन में जो गाने चल रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप फोक सॉन्ग के साथ जुड़े हुए हो, क्या आपको लगता है कि आज का जो म्यूजिक है सही में म्यूजिक, जहां पे उनका जो ट्रेनिंग दिया जाता है, कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म आने की वजह से सही गायकी और सही जो वाजिंद्र बजाने का जो तरीका है कहीं धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है? हाँ, होता जा रहा है कि राजस्थान का जो ओरिजिनल लोक संगीत था जो हम हमारे जजमानों के लिए पुराने टाइम में गाते बजाते थे, हमारे बाप दादे गाते बजाते हुए आ रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही हैं।
क्योंकि ये जितना ये मीडिया, ये फिल्में और जो रिमेक्स ऐसे म्यूजिक आए ना, उसमें हमारे म्यूजिक को काफी हद तक थोड़ा मार खिलाने लगे हैं। जिसमें आपको एक ही बताता हूँ, इला अरुण जी। जी, इला अरुण जी राजस्थान के हैं, मैं बहुत सालों से जानता हूँ। हमारे ही गीतों को इला अरुण जी ने एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटों के साथ डाल करके उसी गीतों को उसने गाना चालू किया। तो ओरिजिनलिटी जो सॉन्ग की थी वो उन्होंने वहां पे खत्म करी। इला अरुण जी, इला अरुण जी खुद मतलब ऐसा, मतलब वो प्रूव करना चाहती है ऑलरेडी। वो कभी भी अपने इंटरव्यू में भी बोलते हैं कि सही में राजस्थानी संगीत को मैं बचा रही हूँ। क्या 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 कितना कितना मानते हैं आप इस? हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम तो जब भी मानते हैं कि हमारे एक राजस्थान को आप मान रहे हो, तो हम जिस चीजों को गा रहे हैं आप वो एक चीज हमारी गा के सुनाइए। जो हमारी ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक की ओरिजिनल चीजें हैं वो हम गाते हैं, आप उसी रिदम उसी रागदारी में हमारी चीज जितने मात्रा की हम गाते हैं हमको गा के दिखाए, हम हमारा मांगने कम्युनिटी पूरा संगीत को छोड़ देंगे। हमारे ऐसे गीत हैं, छोटे ख्याल बड़े ख्याल क्लासिकल में कहते हैं, हम हमारे गीतों को क्या कहते हैं, ये भी क्लासिकल कहाँ से निकला है? म्यूजिक फोक म्यूजिक से निकला है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे पंजाब का, हरियाणा का, कहाँ का भी फोक म्यूजिक से एक क्लासिकल निकला है। क्लासिकल वाले फोक को मानते हैं, लाइट वाले नहीं मानेंगे क्या? ये पॉप वाले नहीं मानेंगे, फिल्म वाले नहीं मानेंगे? फिल्म वाले जो भी इतनी चीज राजस्थान की म्यूजिक की, गुजरात के और पंजाब की चीज की, रिदम के बाज की इतनी चीज नहीं डालते, उनका फिल्म का म्यूजिक खत्म नहीं होता है। लोगों को चखा मजा नहीं आएगा, क्यों निबुड़ा इतना फेमस हुआ, हमारी चीज इतनी क्यों आपने गाया, फेमस क्यों किया, कहाँ से मेटेरियल लेके आए? या तो गुजरात का थोड़ा मेटेरियल उठाएंगे, या पंजाब का उठा हुआ मेटेरियल उठाएंगे, या राजस्थान के बहुत सारे मेटेरियल पड़ा उठाएंगे, लाके थोड़ी जगह डाल करके ये म्यूजिक बना दिया। गाजी खान जी, गाजी खान जी, इतने सारे गाने आप बहुत ही बेखूबी गाते, कौन सा ऐसा गाना है, कौन सा ऐसा गाना है जो गाजी खान को गाने में तकलीफ होती? हर गाना इतना संभव नहीं होता, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, टफ गाना अभी तक आपको कौन सा लगा है? हमारे एक समाज में एक गीत है, अब बुजुर्ग लोग गाते थे, ऊंडो ऊंडो गाजे, एक दूर दूर से गाज रहा है। तो हमारे लोगों ने क्या, उनका एक दिमाग था, उन्होंने क्या चीज गाया, ऊंडा जो हम कहते हैं बहुत दूर दूर से गाज रहा है, एक बहुत दूर से गाज क्या रहा, धरती है वो धूज रही है, तो वो गाजेगा जब धरती धूज रही है। तो उन्होंने एक गाने में दर्शाया, हे यूंडो प्रो गाजे रे ढोला रे, हे धरती रे मरा जा मरे, ऊंडो 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 गाजे रे ढोला रे, हे धरती प्रिये रे मरा जमारे चमकी बीजर सपिया मोरा राज आंद्र चढ़ मौसरे धीमो मारू मौस हो पधारो 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 मारा। ये एक रागदारी है प्लस एक ठेके में भी है। ऐसी हमारी कम्युनिटी के पास बहुत सारी चीजें हैं, तो जो लोग कहते हैं कि हम आपकी कॉपी करना चाहते, एक ये भी कर लो ना कॉपी। अगर करना ही है तो ये करो, ये कोशिश करो इसमें, तो हम भी खुश होते हैं कि हमारा चीज है वो कोई रिकॉर्डेड तो है। गाजी खान जी, वक्त वक्त मुझे मालूम है कि अगर आपके साथ हम बैठ जाए तो मेरे हिसाब से बहुत लंबी बात हो सकती है। दर्शक मित्रों, एक एवा कलाकार कीजिए, अ बॉर्न आर्टिस्ट,
આ આર્ટિસ્ટ કોઈ સંગીતની પાઠશાળામાંથી તૈયાર થયેલા નથી, પરંતુ પરંપરાગત રીતે જીન્સની અંદર જ. કદાચ હું તો કહું કે ત્યાં સુધી ગાઝી ખાનનો જન્મ થયો હશે ને તો રડ્યા પણ સૂરમાં હશે, એ હસ્યા હશે ને પહેલી વખત તો એ પણ સૂરમાં હસ્યા હશે. ગાઝી ખાનજી, લાસ્ટ મેન, રાજસ્થાન કી જબ બાત નિકલે તો હોલી કો તો ભૂલ નહીં સકતે, ઓર હોલી કા એક એસા બહેતરીન ગાના, મેં બોલના નહીં ચાહુંગા ઉસકા મુખડા યા અંતરા, લેકિન સીધાઈ કાર્યક્રમ કે અંત મેં હમારે વ્યુઅરો કો રાજસ્થાન કી હોલી કા યે મશહૂર ગાના. હોળિયા મે હો હોળિયા મે હોળિયા મે યુડેર ગુલાલ ગયો રંગ મેળે મે વો હોળિયા મે યુડેર ગુલાલ ગયો રંગ મેળે મે બારી મંગે તણ હો નખરવાલી બારી મંગે તણ હો નખરવાલી ધોતી વાલો રે નબા બછોડી નો જવાબ નહીં વો નવાબ જોડી નો જવાબ નહીં હોળિયા મે યુડેર ગુલાલ ગયો રંગ મેળે મે હોળિયા મે યુડેર ગુલાલ ગયો રંગ મેળે. આપ ગાના ચાલુ રખ્યો કે આજ મેં ચાહતા હું કે હમારા જો સમિંગ અપ હૈ બિલકુલ આપકે સુરતાલ કે સાથી રહેગા, આપ ઇસી કા દૂસરા એક અંતરા ભી ચાલુ રખે, ઉસી વક્ત યે કાર્યક્રમ કો મેં અંત કરુંગા સૂરો કે બીચ મેં, પ્લીઝ. મારી મંગે તણ હો કખરવાલી મારી મંગે તણ હો નખરવાલી હું સવાલો રે નવાબ જોડીઓ દર્શક મિત્રો, આ હતી ખાસ મુલાકાત ગાઝી ખાન સાથેની. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર. ગયો રંગ મેળે મે.